दोस्तों आज बॉलीवुड चीख चीख के बोल रहा है कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई उसका अब ये पाप भुगत रहे हैं, इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक चीज समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या होती है उसके बाद जिस तरीके से कवरेज रही उसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला, और ऐसी कुछ चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसमें वही लोग जो उपस्थित थे, जो एम्बुलेंस का मालिक था, जो एम्बुलेंस के जो हेल्पर्स थे जो वहां पे गए थे, वो लोगों ने आखिर क्या बात कही, इसको एक बार करीब से सुनिए। उससे पहले आप सुने, मैं आपको कुछ पॉइंट की ओर इशारा करने देना चाहता हूं जो आप बाद में रिलेट कर सके। पहला कि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो रिपोर्टर है वो वहां पे एक बात कह रहा है कि वहां पे ये भी चला कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बॉडी और थी, यानी कि दो डेड बॉडीज थी। लेकिन जब वो उस हेल्पर से पूछता है कि आप जब वहां गए और सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी थी, सिर्फ सुशांत की बात हो रही है, लेकिन वो हेल्पर का सबसे पहला एका जो जवाब आता है वो क्या आता है, वहां पे एक ही बॉडी थी। ये गंभीर है क्योंकि आप लोगों को पहले से फीड किया गया है कि जब भी पूछा जाए आपको यही बोलना है कि एक बॉडी थी। ये यहां पे क्लियरली पकड़ा जाता है कि सब पहले से फीड है, जबकि उससे पूछा ही नहीं गया कि दो बॉडी थी या नहीं थी। उससे पहले उसने जवाब दिया कि वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ एक डेड बॉडी थी, उसके बाद वो जवाब देते हैं। तो ये इनका झूठ जो है ये एक्सपोज होता है। बाकी आप इस पूरे इनके बयान को सुनिए, समझिए कि किस तरीके से जब ये कहा गया कि दो एम्बुलेंस क्यों पहुंची, तो वो क्लियरली कहते हैं कि जो पहला स्ट्रेचर था उसके टायर में खराबी थी। मेरा कोई एक चीज नहीं समझ में आती। एक तरफ आप कह रहे हो जब ऊपर बिल्डिंग में जाना पड़ता है तो स्ट्रेचर नहीं जा सकता, तो ऐसे में जो ये रैगजीन वाला इनका जो बॉडी को कैरी करते हैं ये इसके माध्यम से लाते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की आवश्यकता कहां तक थी, सिर्फ वहां से गाड़ी तक लाने के लिए। तो ऐसे में आपने इतना समय क्यों किल किया कि आपको दूसरी एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। ये झोल है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपने दो एम्बुलेंस के जो झोल रचा और ये जो झूठ रचा कि उसके टायर में खराबी थी, जब आपको गाड़ी ऊपर ले जानी नहीं थी, वो स्ट्रेचर ऊपर ले जाना ही नहीं था, तो फिर आपने इतनी सहूलियत इतना इजीली क्यों ले लिया इसको। जहां पे सुशांत का मर्डर हुआ है, सुशांत की हत्या हुई है, वहां पे आप इतना लाइटली चले गए कि समय किल होने दो, चलने दो, दूसरी एम्बुलेंस आने दो। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक सुपरस्टार है उसकी अगर मृत्यु होती है तो आप चाहोगे हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके कि अगर बचने के कोई चांस हो तो। आप खुद समझिए, प्रैक्टिकल है। लेकिन यहां पे ये व्यक्ति क्लियरली बोलते हैं कि इसलिए इन्होंने दूसरी एम्बुलेंस का वेट किया। बहुत गंभीर है, बहुत समझने वाला है। तो इस वीडियो को अच्छे से सुनो और समझो। सो मेनी थ्योरीज ऑन सोशल मीडिया, सो इट वॉज आवर ड्यूटी टू गो इनटू द फैक्ट, and this is one of the two ambulance which you have been watching on social media platform which has been said that there were two bodies. Whether there were two bodies inside the flat of Sushant Singh Rajput, whether there was any kind of controversy, whether there were few people wearing the cap who took the important piece of investigation, and for that we have come to these eyewitnesses, those ambulance drivers who were inside the flat of Sushant Singh Rajput. Let's talk to the person. आपका अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम विशाल है सर। विशाल क्या करते हैं आप? सर मैं एम्बुलेंस का ओनर हूँ, और मैं और मेरे भाई अक्षय दोनों एम्बुलेंस को संभालते हैं। हमारा खुद का बिजनेस है, ये मेरे वर्कर्स है। टोपी वाले की बात थी, बैग की बात थी। बैग आप भी जैसी चीज़ आपके हाथ में दिख रही है, क्या है ये? सर ये बैग नहीं है, ये एक्चुअली ये होता है रैगजीन होता है, पोर्टेबल रैगजीन होता है। इसको जहाँ पे स्ट्रेचर नहीं जाता है वहाँ पे ये रैगजीन से हमको पेशेंट या डेड बॉडीज निकाल के लेके आनी होती है। तो ये पोर्टेबल है सर। इस पर कुछ रखने की कोई जगह है या नहीं? सर ये तो आपको दिख रहा है, कुछ रखने की जगह है या नहीं आपको सब दिख रहा है सर इसमें कुछ। सबसे पहले कौन गया था सुशांत के कमरे में बॉडी, तुम दोनों में से किसने देखी थी? मैं देखा था। क्या देखा? एक ही सुशांत सिंह की बॉडी थी, उस पे टेबल के ऊपर रखी थी। तुमने ये लाल टोपी पहनी रखी थी क्योंकि तस्वीरों में दिख रहे हो तुम इसी इसी टाइप की? ये नहीं थी, दूसरी वाली लाल थी। हाँ। और इस बैग को क्यों ले गए थे? ये रैगजीन है, उसको नीचे लेके आए, इस पे लिटा के उनको नीचे लेके आए। लिफ्ट का साइज छोटा होता है इसलिए बैग इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है? सर एक्चुअली ऐसा होता है कि अब बड़ी लिफ्ट होती नहीं है, कोई कोई बिल्डिंग में बड़ी लिफ्ट होती नहीं है, स्टेचर जाती नहीं, तो हमको ये रैगजीन ले जाना पड़ता है, जिससे रैगजीन के थ्रू हम लोग को बॉडी सीढ़ियों से लेकर आना पड़ता है। बट उस टाइम ऐसा हुआ कि जल्दी जल्दी में थोड़े दो पुलिस वाले भी थे, तो उन्होंने क्या किया, ये रैगजीन नीचे डलवाए, मतलब जैसा हम लोग करते वैसे ही सिंपल, लेकिन सीढ़ियों से नहीं लेकर आए, उसको बॉडी को थोड़ा क्रॉस करके ऐसा
खड़ा करके दो लोग पीछे से सपोर्ट करके और दो लोग आगे से एक साइड से पकड़ के लेकर आ गए नीचे। ठीक है, तो नीचे लेने के बाद में मैं सीढ़ियों से आया, स्ट्रेचर लिफ्ट के पास रखा। स्ट्रेचर दो एम्बुलेंस क्यों आए वहाँ पे? दो एक्चुअली दो एम्बुलेंस इसलिए आया सर, ये पहली गाड़ी गई थी अपनी, तो इसका थोड़ा व्हील अपना स्ट्रेचर है उसका व्हील थोड़ा ख़राब था, ये हमको मालूम नहीं था, तो इसके लिए गई। जब वो निकाले ना तो चल रहा नहीं था, वो बार बार उड़ जा रही थी, तो इसके लिए फिर ये रख दिया हम लोग ने, ये रख के फिर दूसरी गाड़ी मंगाया। तो फिर मैं यहीं पे था, यहाँ से डायरेक्ट मैं वहाँ पे लेकर गया जी। बातें ये निकल के सामने आई थी, ये दो बॉडीज थी वहाँ पे, क्या दिखा तुमने, कौन कौन लोग वहाँ पे थे जिनको अब तुम तस्वीरों में देखते हो, क्या पहचान पाए, कौन कौन था वहाँ पे? नहीं देखा मैंने किसको भी, खाली उनको उनकी बॉडी उठा रहे और नीचे आ गए, उनके बाद हम लोग कुछ करे नहीं है, उनकी बॉडी लेके नीचे आए और सीधा कुपर हॉस्पिटल गए हम लोग। अच्छा, ये हरे रंग का कपड़ा जो नजर आ रहा है अगर तुम देखो इसमें, ये हरे रंग का कपड़ा मुझो, ये हरे रंग का जो कपड़ा है ये कहाँ था और इस तरीके का कपड़ा और कहाँ दिखा था? आधा पंखे पे था, आधा पंखे से लटका हुआ था और आधा बेड पे था जी। और एक थ्योरी ये भी है कि ये कोने में जो साफ नज़र आ रहा है वो सफ़ेद कलर का एक और बॉडी पड़ी थी, ऐसा कुछ दिखा वहाँ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली वहाँ पे टेबल रखा हुआ था, उस पर थोड़े सामान थे और वो बेडशीट का वगैरह कपड़ा रखा था, बस वही था। और एक और बात जो निकल के आ रही है, द मिस्ट्री मैन, ये मिस्ट्री मैन कौन था, आपके कोई लोग थे? वो हमारे मेरे ब्रदर अक्षय और आरिफ भाई और ये दो लड़के लोग गए थे, उनमें से एक लड़का था। कोई मिस्ट्री मैन वगैरह कुछ नहीं है, वो पहले ये गाड़ी आया था, पहले वाले गाड़ी आया था उसके साथ एक क्लीनर आया था, वही लड़का था। तो क्या लगता है जब लोग आप पे सवाल उठाते हैं? सर बुरा लगता है सर, क्योंकि हम तो जन सेवा करने के लिए आए हैं और हम लोगों को ऐसे नाम रखते तो हम लोगों को बुरा लगता है सर। हम लोग तो हमारा काम करने के लिए गए थे, हमको जो बुलाया हम वही काम किए हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं सर। You heard from these people, this particular Ragzine bag is supposedly thought on social media to be a bag which was used for evidence, but this is a carry bag because there was not enough space for them to bring the body from there. Aap logon ne kisi do laashe dekhi wahan pe? Nahi nahi. Kuch aapko laga ki isme evidence utha ke liya gaya, kuch saboot utha ke le gaye aap log? Nahi nahi. There you heard from them, innocent people who were there doing their duty, and so we had to bring them, all of them together regarding this mystery man theory. With video journalist Moju Priyank Tripathi in Mumbai for Times Now. So guys, आपने सुना, ये है इनका असली रूप, किस तरीके से ये एक झूठ रचते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, सोचते हैं कि जनता नहीं समझेगी, नहीं पकड़ पाएगी इनके झूठ को जो इनको पहले से फीड कर दिया जाता है, लेकिन अब ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से, और ये होने भी चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा इनके खिलाफ। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दो हर एक व्यक्ति तक। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।